वो अंधा आदमी अगर विज्ञान चाहे तो उसकी नई आंख डाल सकती है। वो आज डॉक्टरों से कहे मेरी आंख लगा दो, तो डॉक्टर हो सकता है कि उसकी आंख लगा दें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर उसे 80% नहीं दिखेगा ना, तो 60% उसे जरूर दिख जाएगा, उजाला है अंधेरा है। लेकिन वो आंखों का अंधा ही नहीं है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति अकल का भी अंधा है, वो व्यक्ति अनपढ़ है, क्योंकि उसके आँख नहीं है। आँख होती तो वो पढ़ता। अब अनपढ़ आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद करेंगे आप अनपढ़ आदमी से? हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, तो हम उस पहलू को पहले बाबा साहब के अनुसार देखेंगे। तो बाबा साहब अपने एक वॉल्यूम में कह रहे हैं कि शेड्यूल्ड कास्ट के जो लोग हैं ये बौद्ध थे, इनका किसी भी सनातन से, हिंदू से या इस्लाम से या किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं था, ना ये भगवान को मानते थे। प्राकृतिक पूजा और प्रकृति में विश्वास करने वाले, नेचर से प्रेम करने वाले लोग थे। तो उसमें अगर उसने बाबा साहब के उस वॉल्यूम को पढ़ा ही, तो मुझे मालूम है वो अंधा है तो वो पढ़ेगा नहीं। लेकिन उसने अगर कैसी सुन लिया है, तो उसने ये बात ठीक कही है कि जो भगवान को नहीं मानते वो जाटव, चमार, महार यही लोग हैं, भगवान को नहीं मानते। तो यहाँ तो वो ठीक कह रहा है, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो आरक्षण का भी विरोध कर रहे हैं। देखिए, आरक्षण का विरोध अलग चीज है, और भगवान को ना मानने वाला चमार होता है वो बात ठीक है। अब जैसे मुझे कल, वैसे तो मैं बौद्ध हूँ, लेकिन पूर्व में मैं चमार था, मेरे पुरखे चमार थे, वो भी बुलंदशहर का। लेकिन जैसे ही बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अंगीकार किया और कहा कि हम बौद्ध हैं, तो फिर उन्होंने बौद्ध धर्म अंगीकार किया और बौद्ध हो गए। मेरे दादा भी, पिता भी और मैं भी, मेरे पास तो मैं डीएम के सर्टिफिकेट द्वारा बौद्ध हूँ। मैं अभी आपको मोबाइल में दिखाऊंगा कि मैं डीएम द्वारा बौद्ध हूँ, मेरा सर्टिफिकेट बौद्ध धर्म का है, किसी जाति का नहीं है। तो अगर उस बात को देखें, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ये कुछ भी नहीं है, अवतार नहीं थे। जो मूर्ख कहते हैं वो मूर्ख का पुलिंदा है, मूर्खी की, मूर्खता की पोटली है, जो ऐसा कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार थे। बुद्ध नास्तिक और वास्तविक आदमी थे, और बाकी जितने भी ब्रह्मा हो गए, विष्णु हो गए, महेश हो गए, और जितने भी हो गए अन्य धर्मों के भी, वो सब एक तरफ है। बाबा साहब के द्वारा बताए गए बुद्ध हमें, वो एक तरफ है। मैं बाबा साहब के द्वारा बताए गए बुद्ध भी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर देश में बुद्ध को अलग तरीके से माना गया है, लेकिन भारत में बुद्ध को बाबा साहब के अनुसार माना गया है। तो हम बुद्ध को बाबा साहब के अनुसार मानते हैं, और जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध बताए हैं वो नास्तिक और वास्तविक हैं। जो रामभद्राचार्य हैं, जो उन्होंने कहा, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, उससे हमें बहुत दिक्कत है। जो आदमी पाखंड का प्रचार करता है उससे हमें नफरत है। जो आदमी किसी चीज़ का दुष्प्रचार, गलत प्रचार करता है, अशिक्षा का प्रचार करता है, लोगों को पाखंड की तरफ ले जाता है, लोगों को झूठ की तरफ ले जाता है, उस हर आदमी से हम नफरत करते हैं। हम उससे भाईचारे के साथ ये कहना चाहते हैं कि पाखंड को मत फैलाओ, लोगों को विज्ञान की तरफ ले जाओ। वो अंधा आदमी अगर विज्ञान चाहे तो उसकी नई आँख डाल सकती है, लेकिन वो गाने में कहता फिरता है कि अंधन को आँख दे, कोड़ीन को काया, और फलाने को, और बिना बच्चे वालों को बच्चे दे। अरे तो मांग लेना उससे। लेकिन विज्ञान, वो आज डॉक्टरों से कहे मेरी आंख लगा दो, तो डॉक्टर हो सकता है कि उसकी आंख लगा दें। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि अगर उसे 80% नहीं दिखेगा ना, तो 60% उसे जरूर दिख जाएगा, उजाला है अंधेरा है, कोर्निया पड़ते ही उसकी आंखों में। लेकिन वो आंखों का अंधा ही नहीं है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति अकल का भी अंधा है, वो व्यक्ति अनपढ़ है, क्योंकि उसके आँख नहीं है, आँख होती तो वो पढ़ता। अब अनपढ़ आदमी से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या उम्मीद करेंगे आप अनपढ़ आदमी से? आप अनपढ़ आदमी से अनपढ़ता की ही उम्मीद कर सकते हैं? और वो हम कर रहे हैं उसे? हैं वो सर, क्या बात कर रहे हैं आप? अरे मूर्ख, जब अंधे लोग इकट्ठे होंगे तो राजा किसे बनाएंगे? कोई एग्जाम थोड़ी पास किया है। किसे बनाएंगे आप? अंधे लोग इकट्ठे होंगे तो काणे को राजा बनाएंगे। और जब मूर्ख, वो ब्राह्मण है, ज्ञानी है, और जब मूर्ख लोग इकट्ठे होंगे तो वो किसे मूर्ख बनाएंगे, वो राजा बनाएंगे? महामूर्ख को। तो महामूर्ख हुआ नहीं हुआ? वो मूर्खों का समूह इकट्ठा होकर इलेक्शन करेगा तो किसको राजा बनाएगा? जो सबसे बड़ा मूर्ख होगा, तो उन्होंने बना रखा है। वो कभी कभी कहते हैं कि मरे मुलायम काशीराम, बोलो जय श्री राम। मुलायम और काशीराम मर गए, वो अगर ऐसा नहीं कहेंगे तो उनके बच्चे और ये कहेंगे कि बाब काशीराम ने और मुलायम सिंह ने अपनी सरकार बना ली, और तुम क्या कर रहे हो जो यह मुंह बकरिया का सब मुंह चलाते हो। अगर वो ऐसा कार्य नहीं करेगा, मुलायम का विरोध नहीं करेगा, काशीराम जी का विरोध नहीं करेगा, आरक्षण का विरोध नहीं करेगा, तो उसके आने वाली पीढ़ी उसको ये कथा करता रहता है, क्या हम ऐसे भिखमंगे रहेंगे, राजा बना। इसलिए वो अपने बच्चों को हुक्मरान बनाने के लिए, अपने बच्चों को राजा बनाने के लिए, अपने बच्चों को कारोबारी बनाने के लिए
ऐसी बातें करता है और राज्य स्थापित करके राजा बनाने का काम कर रहा है, वो अपने बच्चों को सेटल करने का काम कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है। वो उनसे कहे रामदेव से कि तू अपनी कुंडली दिखा, कुंडली जन्म पत्री जो बनती है एक ब्राह्मण के वहां से, उसमें अपना गोत्र वो जो अग्निहोत्र बता रहा है वो उसमें लिखा दिखा दे। नहीं अभी बने हैं ना वो, देखिए। हाँ, हाँ तो उसमें लिखा हुआ दिखा दे ना। वो अपनी कुंडली, ऐसे तो मैं कहूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ, ऐसे तो वो बहुत कुछ कहता था, 35 रुपए लीटर पेट्रोल दिला रहा था, है ना, काला धन भी लेके आ रहा था वो, तो वो क्या बन गया? उसने कहा, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उसने कहा कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ और ओबीसी जाए भाड़ में। ने क्या क्या बोला और भी? हाँ, ओबीसी जाए भाड़ में कि मैं त्रिवेदी भी हूँ, चतुर्वेदी भी हूँ, द्विवेदी भी हूँ, तो उसने ओबीसी को भी कहा ऐसी तैसी। तो सबसे पहले तो उसकी बौद्धिक क्षमता का अंदाज़ा इससे लगा सकते हो कि जिस समाज का वो है वो अपने समाज को ऐसी तैसी में जाने की बात कर रहा है। तो वो वैसे भी आए दिन वो वैसे भी पगलेट वाले बयान देता रहता है, आप लोग देखते हैं मीडिया के माध्यम से, वो तो वो है, वो कहते हैं ना कॉमेडी करता रहता है और थोड़ा सा स्क्रू उसका ढीला है। जवान फिसल गई, मैं ओबीसी को कहना चाह रहा था। सबसे पहले तो जो ओबीसी समाज है उसमें जूते लेके उसे ठीक करे उसका इलाज, मतलब क्योंकि उसका बिल्कुल उसका समाज है ना। जो आदमी अपने ही समाज को बेइज्जत करेगा तो वो यानी कि बौद्धिक क्षमता उसका बिल्कुल खत्म है। दूसरी बात ये है कि वो जो बता रहा है कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ, वो मुझे या देश के सामने अपनी कुंडली दिखा दे, तो ब्राह्मण समाज एक्सेप्ट करेगा बाबा साहब कुंडली? वही मैं कह रहा हूँ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपनी पुस्तक में लिखते हैं, क्योंकि और भी बहुत ज़्यादा मीडिया में प्रचारित करते हैं कि कर्म के आधार पर ये वर्ण या जातियाँ बनी थी, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने वॉल्यूम में लिखते हैं कि 3 लोगों ने प्रयास किया कर्म के आधार पर स्वयं को ब्राह्मण बनाने का, जिनमें 2 एक शूद्र था और 2 क्षत्रिय, क्षत्रिय बिल्कुल नीचे ब्राह्मण के वर्ण से, लेकिन 2 का नाम लोग शायद नहीं जानते, बहुत लंबा नाम है, 1 का मैं बता दूं सब जानते भी हैं, विश्वामित्र, सब लोग जानते हैं। विश्वामित्र ने वो तमाम कार्य किए जो एक ब्राह्मण बनने के लिए ज़रूरी होते हैं और पूरे होते हैं, लेकिन फिर भी ब्राह्मण समाज ने, हिंदू धर्म ने, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ने विश्वामित्र को ब्राह्मण मानने से स्वीकार नहीं किया, इनकार ही किया हमेशा। तो बाबा साहब इसलिए लिखते हैं कि ये जाति कभी भी कर्म के आधार पर नहीं रही। हाँ, जो ये प्रचारित करते हैं ये बुद्ध ने बताया थोड़ा सा, क्या बताया कि कर्म के आधार पे भी ब्राह्मण बना जा सकता है, लेकिन वो बुद्ध का है वो। तो ये भगवान के चोले में जो ये लोग जो कर रहे हैं, मानसिक संतुलन खो बैठे, इनका इलाज क्या है? अस्पताल भर्ती चल रहे हैं ना, तो इनको किसी ने जगत गुरु की, कोई यूनिवर्सिटी का इन्होंने एग्जाम पास नहीं किया, कोई पढ़ाई नहीं की, अपने आप को ये जगत गुरु, इन्हें इनके मोहल्ले के कुत्ते बिल्ली नहीं जानते और ये खुद को कहते हैं जगत गुरु। तो जगत गुरु की उपाधि कहीं किसी राष्ट्रपति ने इनको दी है, किसी संविधान में लिखा हुआ है, किसी देश ने दी, इन्होंने स्वयं को कहना शुरू किया और लोगों ने कुछ, क्योंकि अभी हमारे भाई साहब ने भी बताया कि मूर्ख अगर चुनेंगे तो वो महामूर्ख को ही चुनेंगे, तो ये अपने आप को कहते हैं थोड़ा, ये तो जैसे आप, मैं वही कह रहा हूँ ना, वो चुन लिया, उन्होंने खुद को घोषित कर दिया। और बहुत सारे लोग होते ही हैं, क्योंकि हर आदमी के मानने वाले भी हैं, विरोधी भी हैं, तो कहने वाले उनके भी 2-4 ऐसे हैं। प्रधानमंत्री मिलते हैं, देखिए इनसे प्रधानमंत्री तो उनसे भी मिलते हैं, गलियों में जाके चाय भी पीते हैं आजकल। प्रधानमंत्री का क्या है, प्रधानमंत्री तो वोट लेने के लिए, अपना प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए कहीं भी मिल लेते हैं, वो तो कहानी भी सुनाते हैं। ये तो इनके शास्त्रों में भी कहानियाँ कि जी सबरी के झूठे बेर, अब राम राम कर रहे हैं कि जी राम ने सबरी के झूठे बेर खाए थे, हैं, केवट ने पार कराया था राम को, लेकिन कोई उनसे ये पूछे कि सबरी के झूठे बेर खाने से राम का तो भर गया पेट, लेकिन सबरी को या सबरी के समाज को क्या मिला आज तक? आज भी क्या सबरी के समाज को सम्मान मिला है? केवट ने राम को तो नैया पार करा दी, लेकिन केवट और केवट के समाज को आज भी क्या मिला है? यही लोग राम के मानने वाले केवट के समाज को मिलने वाले आरक्षण का विरोध करते हैं, सबरी के मिलने वाले समाज के आरक्षण का विरोध करते हैं, उनकी शिक्षाओं का विरोध करते हैं, तो ये प्रोपगेंडा चलाते हैं। मैं ऐसे मानता हूँ राम को, जैसे आज के मोदी या आज के नेता आपने देखे हैं, जाएंगे दलित के यहाँ पे खाना खाएंगे, पेट खूब अपना पेलम पाल खा के और आ जाएंगे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ उनके यहाँ भी खा रहे हैं भाई, उनके यहाँ घर भी खा लिया, उसका खा लिया। अब जैसे अभी प्रधानमंत्री मोदी ने चाय पी एक गरीब के घर पे जाके, लेकिन उसके घर में पलस्तर भी नहीं है, क्या इससे उसके घर में पलस्तर हो जाएगा? वैसे ही
ये राम उस समय के पॉलिटिशियन है और जैसे आज के पॉलिटिशियन है, वो उस समय के राजा थे पॉलिटिशियन भी थे, ये आज के इस समय के हैं। इनका दलित के यहाँ खाने से अपने आप को गौरवशाली बता देते हैं कि देखो हमने दलित के यहाँ खाना खाया। मैं तो कहता हूँ पहले तो खिलाने वालों को सोचना चाहिए, अपने यहाँ खिलाओ तो इन्हें कुछ और खिलाओ। तो दलितों को ऐसी डिबेट में पढ़ना चाहिए, ऐसे विमर्श में आना चाहिए? नहीं देखो, बिल्कुल जहाँ जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को, मैं पूरे समाज को साफ कर दूं, जो एससी एसटी ओबीसी हैं या माइनॉरिटी वाले हैं, अगर आप राम के चक्कर में पढ़ोगे, राम के मानने वालों के चक्कर में पढ़ोगे, तो आपका उद्धार ना कल हुआ था। क्यों? क्योंकि राम तो बहुत पहले से भी हैं, जब संविधान नहीं था, हालांकि इतने भी पुराने नहीं है, बुद्ध के बाद में सब रचित हुआ है, ये प्रमाण भी है, बहुत सारे लोग देते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ ये उस बहस में अगर पढ़ेंगे तो भले दुनिया का कल्याण हो जाएगा, मोदी को वोट मिल जाएंगी, फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बीजेपी सत्ता में आ जाएगी, आरएसएस अपनी नीतियों को देश पे थोप देगा, लेकिन इन एससी एसटी ओबीसी वालों का कोई फायदा नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए फिर इनको? उनको एकमात्र उपाय है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बातों को मानना, जो पढ़ सकते हैं पढ़ें, और जो नहीं पढ़ सकते वो पढ़ने वालों के, जैसे हमारे शशि भाई हैं, ये गाने के माध्यम से बताते हैं बाबा साहब ने क्या किया। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, मैं मीटिंग्स कैडर के माध्यम से बताता हूँ, बहुत सारे लोग बड़े बड़े मंच लगा के भी बता रहे हैं, उन्हें सुने, उन्हें अंगीकार करें, तभी इनका कल्याण संभव है। अन्यथा ये अभी अपने और देगा, सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है कि राम मंदिर में जो प्रसाद चढ़ेगा उसमें दलितों का जो दान है उसको अस्वीकार कर दिया गया, और इनको दान देने की चुल उठती है। तो ये स्वयं सोचे, उस दान से संस्था बनाए, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, अपने बच्चों को शिक्षा दें, बाबा साहब की शिक्षाएं। जब तक ये अपने बच्चों को नहीं देंगे, इनका उद्धार उत्थान नहीं हो सकता।